अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर जिलाल ग्लोबल सेट एंड बिल्डर से। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैरिया स्काई, जो कि बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग बन रही है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की बुलेवार्ड के ऊपर और बड़ी जबरदस्त लोकेशन के ऊपर है। कुछ वीक पहले इन्होंने अपना जो कमर्शियल का पेमेंट प्लान है वो दिया था, फ्लोर प्लान भी दिए थे और उसमें बड़ा जबरदस्त इनको रिस्पॉन्स आया। और अब इन्होंने रिसेंटली जो अपार्टमेंट्स का फ्लोर प्लान है और पेमेंट प्लान है वो रिवील किए हैं, जो मैं आज आपको थोड़ी सी डिटेल्स में बताऊंगा कि वो इन्होंने फोर्थ फ्लोर से लेके 13 फ्लोर तक बिल्कुल सेम पेमेंट प्लान है और सेम फ्लोर प्लान है जो कि दिया गया है। और इसके अंदर एक फ्लोर के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 45 के करीब जो है वो अपार्टमेंट्स बनते हैं, जिसमें 36 वन बेड हैं, 7 जो है वो टू बेड अपार्टमेंट है और 3 बेड का एक अपार्टमेंट है। हर फ्लोर के ऊपर ऐसे ही प्लान चलेगा और अब मैं आपको कोशिश करता हूँ स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँ और इसके फ्लोर प्लान को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारा तो बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम कुछ लिमिटेड से अपार्टमेंट फ्लोर प्लान के ऊपर आपको बताते हैं कि वो किस तरह से, उसकी लोकेशन क्या आ रही है और उसका डाउन पेमेंट कितनी है और उसकी जो है टोटल प्राइस कितनी है। तो अब हम स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। जी भैया जी, इसका फ्लोर प्लान है बैरिया स्काई का और ये फोर्थ फ्लोर से लेके 13 फ्लोर तक ये ऐसे ही चलेगा सारा, इसका जो फ्लोर प्लान है। और इसके ऊपर जो सिंगल बेड अपार्टमेंट है वो 36 है, डबल बेड जो है वो 7 है और एक 3 बेड का है। इसमें से कुछ हम कैटेगराइज कर लेते हैं, सारा तो बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ 6 से 7 अपार्टमेंट्स के बारे में बता दूँ ताकि आपको इसमें आइडिया हो जाए इसकी प्राइस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट अपार्टमेंट्स के। ये इसका फ्लोर प्लान है और फ्लोर प्लान में जो ये एरिया आ रहा है ये सारे फ्रंट मेन बुलेवार्ड के अपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम ये टू बेड अपार्टमेंट देख लेते हैं जो बुलेवार्ड भी है और कॉर्नर भी है। ये 940 स्क्वायर फुट नेट एरिया है और इसकी जो टोटल प्राइस है वो 1,68,90,000 समथिंग है। और इसका जो 20% इसकी डाउन पेमेंट है जो ऑलमोस्ट 34 लाख के करीब बनती है। तो इसी तरह से अब ये सारे वन बेड अपार्टमेंट आ रहे हैं। वन बेड जो इसमें मिनिमम है वो देख लेते हैं, जैसे 9 नंबर को देख लेते हैं, ये 373 स्क्वायर फुट नेट है और 64 लाख समथिंग इसकी टोटल प्राइस है और डाउन पेमेंट वही इसकी 20% डाउन पेमेंट है जो कि 12,81,500 रुपये बनती है, ऑलमोस्ट 13 लाख के करीब है। इसी तरह फ्रंट के ऊपर एक ये 3 बेड को देख लेते हैं, ये 1,210 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है, ये भी फ्रंट है कॉर्नर है, ये 2,17,00,000 रुपए का है और 4,350 इसकी जो है वो डाउन पेमेंट है। अब हम इसी तरह से इसके जो आपको देखने में ये बैक अपार्टमेंट लग रहे होंगे, लेकिन ये बैक नहीं है क्योंकि इसकी इस ये भी जो रोड है पीछे ये 60 फुट की रोड है और इसके ऑपोजिट साइड पर भी एक बड़ा मॉल बना हुआ है, तो इसको भी हम फ्रंट ही कंसिडर करेंगे। इधर अगर हम टू बेड अपार्टमेंट देख लें, जैसे कि ये कॉर्नर है, ये 875 स्क्वायर फुट नेट है और ये 1,57,00,000 समथिंग इसकी जो है वो टोटल पेमेंट है, 31,45,000 इसकी जो है वो डाउन पेमेंट है। इसी तरह से ये कॉर्नर था, इसके साथ वाले को देख लें तो ये 1,37,00,000 रुपए का 800 स्क्वायर फुट इसका नेट है और 27,50,000 इसकी डाउन पेमेंट है। और इसी तरह से अब हम इसको ये 35 नंबर को देख लेते हैं, ये वन बेड है, वन बेड यहाँ पर 63,52,000 रुपये का अपार्टमेंट है और इसकी डाउन पेमेंट है 12,70,000। और इसी तरह से अब हम इसको देख लेते हैं जो इसका ये वाला मिड का एरिया बन रहा है, सेंटर का एरिया बन रहा है, इसके तो भी बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया, वेंटिलेशन का बड़ा ध्यान किया गया है इसके अंदर भी। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं 26 नंबर अपार्टमेंट जो ये आ रहा है वन बेड का, ये 75,62,000 रुपये का है और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 15,12,000 समथिंग है। और इधर ये टू बेड को भी देख लेते हैं जो के बिल्कुल इसके साथ ये आ रहा है टू बेड का, ये 1,68,00,000 समथिंग है और 21,37,000 इसकी डाउन पेमेंट है। तो ये इसका मैंने आपको थोड़ा सा प्लान दिया है और थोड़ा सा मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि 14 फ्लोर से 13 तक ऐसे ही इसका फ्लोर प्लान चलना है। और इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो बड़े एडवांस हैं, एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम है इसके अंदर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने एक पूरा, इसी कंपनी ने एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए भी एक कंपनी जो होगी वो इसको रन करेंगे, सारे मॉल को देखेंगे। और इसके अलावा 24 आवर इसमें सिक्योरिटी है और स्टैंड बाय इसमें पावर जनरेटर होगा,
इसी तरह से इसमें जो है वो बड़ी स्पीडी लिफ्ट लगाई जाएंगी जो कि रेजिडेंशियल के लिए अलग होंगी, कमर्शियल के लिए अलग होंगी। जी भैया जी, हम लोगों ने अभी फ्लोर प्लान को डिस्कस किया, जब ये कंप्लीट होगा और कंप्लीशन के बाद जब आपको कीज हैंड ओवर की जाएंगी तो आपको एक बड़ा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल जो है वो मिलेगा इस बिल्डिंग के अंदर। 24 आवर सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके अलावा स्टैंड बाई के ऊपर पावर जनरेटर है, बड़ा एडवांस इन्होंने फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल करना है। इसी तरह से जो लिफ्ट दी जाएंगी बड़ी स्पीडी लिफ्ट होंगी और वो अपार्टमेंट्स के लिए सेपरेटली जो है वो दी जाएंगी, कमर्शियल एरिया के लिए अलग होंगी और रेजिडेंशियल के लिए अलग होंगी। फिर इसके अंदर आप रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट्स जो है, जिम है, स्विमिंग पूल है, इसी तरह से कमर्शियल एरिया है, उसमें फूड कोर्ट अलग से दिया गया है। बड़ी इसमें एडवांस फीचर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं जो कि लाइफस्टाइल आपको बड़ा इंटरनेशनल ओवरसीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको इसके अंदर एक लाइफस्टाइल दिया जाएगा। इसी तरह से हम पार्किंग को भी देख लेते हैं, जो 3 बेड अपार्टमेंट जो भी लेगा उसके लिए एक डेडिकेटेड जो है वो पार्किंग भी दी जाएगी, क्योंकि बेसमेंट सारा इन्होंने पार्किंग रखा है, फ्रंट बैक के ऊपर पार्किंग है, बड़ा वाइड एरिया, इसमें वैले पार्किंग की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। तो अभी कंस्ट्रक्शन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो साइट पर जरूर जाएं एक बार, और डे बाय डे हमारे साथ जो अपडेट शेयर की जाती हैं कंस्ट्रक्शन की वो भी हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जो 4 इयर्स का प्लान इन्होंने दिया है, इंशाल्लाह ये इससे भी पहले इसको डिलीवर कर देंगे। इसमें अपार्टमेंट्स में बुकिंग के लिए अभी प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं, आप इसमें ज़रूर बुकिंग करवाएं, मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बैरियर स्काई के हवाले से चाहिए हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज की सरमायाकारी कल का मुनाफा।